क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, x इक्वल टू y माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस z स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2d अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर प्रूव दैट d बाय dx ऑफ y प्लस x अपॉन y इक्वल टू 0, ठीक है तो देखिए यह पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन तो 2.8 का पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफाइन डायरेक्टिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर एंड डायरेक्टिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर एंड देन हमें जो है
तो कट जाएगा आपका, है ना। फिर वाई बाय एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। तो कह रहे हैं टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर के प्लेस पर हम वाई बाय एक्स लिख सकते हैं, या इसका रिसिप्रोकल कर दे रहे हैं, एक्स अपॉन वाई मिल जाएगा, बहुत साइड उल्टा कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। तो वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू टी हो जाएगा। तो वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू टी के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई। क्या देखिए देखिए वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू टी के प्लेस पर एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू ला कर देते हैं। देखिए वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू टी है, इसमें एक्स अपॉन वाई लिख देते हैं। तो डी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इसको टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई, या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इसको टू जीरो, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट क्वेश्चन है।